Welcome back to By the Law. This is lecture 6 of this series, and we have successfully completed chapter 1, 2, and 3. Chapter 4 and 5, examination point of view, it is important. Nahi hai. So, due to time constraint, we will be covering chapter 6, which is important. You read chapter 5 or 4 ko read karo and if you find any difficulty, then comment below or mail us. कमेंट्स और आपके रिस्पॉन्सेज से वी विल डिसाइड कि इन चैप्टर्स पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है या नहीं है ऑल राइट ओके लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर सिक्स प्रेजिंग अ फेयर ट्रायल चैप्टर सिक्स टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिश फे कमेंट्स बट कई बार ऐसा होता है कि प्रेस इसका गलत फ़ायदा उठाती है आजकल मीडिया ट्रायल्स का इशू जो है वो बहुत चर्चा में है एंड मीडिया जो है वो किसी केस का जजमेंट आने से पहले ही कुछ प्रूव होने या नहीं होने से पहले ही अपना जजमेंट दे देती है कि कौन सही है और कौन गलत है और अपने प्रजम्पशन्स को फैक्ट्स बताकर लोगों के माइंड को पहले ही प्रेजडिस कर देती है डिसाइड कर लेती है कि कौन सही है कौन गलत है जिसकी वजह से लोगों लोग उन ख़बरों को अंधा विश्वास करके बिलीव करने लग जाते हैं कि हाँ यही सही फैक्ट्स है और पब्लिक जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है पहले ही केस स्टार्ट होने से पहले ही कुछ लोग फेवर करने लग जाते हैं कुछ लोग अगेंस्ट हो जाते हैं रिसेंटली एस एस आर केस हुआ था लोगों के व्यूज़ ट्रायल होने से पहले ही फॉर्म हो चुके थे कि कौन सही है कौन गलत है सो दिस प्रेज अ फेयर ट्रायल ये सब नहीं होना चाहिए <laughs> तो लॉर्ड डेनिंग ने ऐसे दो केसेस को इस चैप्टर में कोट किया है फर्स्ट केस है द वम्पायर अरेस्टेड एंड द सेकेंड केस जो मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी है इस मीडिया की मीडिया के रोल की ग्रेविटी जो है इस केस में समझ आती है द थैली डोमाइट केस इस केस में द डेली मिरर न्यूज़पेपर ने अपने राइट टू पब्लिश फे कमेंट्स का मिसयूज़ किया डेली मिरर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया विद द हेडलाइन वेम्पायर अरेस्टेड और उस आर्टिकल में उन्होंने मिस्टर हेग पर मर्डर का चार्ज फ्रेम होने की फ़ेक न्यूज़ को पब्लिश किया और ये भी कह दिया उसी आर्टिकल में कि मिस्टर हेग ने जिन लोगों का मर्डर किया है उनके नाम भी उन्होंने एक्सेप्ट किए और कबूल किए ये खबर चीफ जस्टिस गौडाट तक पहुंची तो उन्होंने रूल किया कि दिस स्कैंडलस एक्ट ऑफ द न्यूज़पेपर डिज़र्व्स टू तो बी पनिश्ड और इसीलिए उन्होंने न्यूज़पेपर पर पाउंड टेन थाउजेंड की पेनल्टी इम्पोज़ की और न्यूज़पेपर के एडिटर को थ्री मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी केस नंबर टू है द थैली डोमाइट केस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अटोर्नी जनरल वर्सेज टाइम्स न्यूज़पेपर लिमिटेड नाइनटीन सेवेंटी थ्री इस केस में जब मदर्स जो है वो प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने थैलीडोमाइड नाम के एक ड्रग को कंज्यूम किया था जिसकी वजह से उन सारे मदर्स के जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो डिफॉर्म्ड पैदा हो रहे थे उनके लिम्स यानी आर्म्स और लेग्स वो डेवलप नहीं हो पा रहे थे और इस डिफॉर्मिटी के साथ वो बच्चे पैदा हो रहे थे ये केस 1962 का है और ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए 1962 से लेकर 1973 तक सो द पेरेंट्स टुक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी बाय फाइलिंग अ सूट फॉर क्लेमिंग डैमेजेस अगेंस्ट द डिस्टिलर्स डिस्टिलर्स जो है वो इस ड्रग को इस दवा को डिस्ट्रीब्यूट करते थे द डिस्टिलर्स ट्राई टू सेटल द मैटर डिस्टलर्स ने सोचा कि आउटसाइड कोर्ट इस मैटर को सेटल कर देना चाहिए थोड़ा बहुत कंपेन्सेशन दे देंगे हम इन पेरेंट्स को और मैटर को जो है वो सेटल करने का ट्राई करेंगे सो ऑल पेरेंट्स अग्री टू सेटल द मैटर आउटसाइड कोर्ट बट फाइव ऑफ देम रिफ्यूज़ उन सारे पेरेंट्स जो जितना भी बंच था उसमें से सिर्फ पाँच पेरेंट्स ने मना कर दिया आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के लिए तो An application एप्लीकेशन sent to the court टू रिमूव the फाइव पेरेंट्स सो that the ऑफिशियल सॉलिसिटर जो उनका केस लड़ रहे थे उनको हटा दिया जाए और ये केस जो है वो क्लोज कर दिया जाए क्योंकि बाकी जितने मेजॉरिटी पेरेंट्स थे उन लोगों ने सेटलमेंट कर लिया था बाहर ही तो अगर ये एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती तो ये केस कभी आता ही नहीं बाहर ही नहीं आता ये केस और हम लोग आज पढ़ नहीं रहे होते इस केस को और डिस्टिलर्स का जो है मोटिव uh, वो सक्सीड हो जाता और ये केस क्लोज हो जाता बट द कोर्ट रिफ्यूज इस रिमूवल के लिए कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया और इस वजह से वी आर रीडिंग दिस केस टुडे द एडिटर ऑफ संडे टाइम्स टोल्ड द कोर्ट दैट दिस केस कॉज्ड हिम एनजाइटी एज ओवर टेन यर्स हैव पासड एंड सिंस देन द चिल्ड्रन वो बॉर्न विद डिफॉर्मिटीज एंड स्टिल नो कम्पन्शन हैड बीन पेड बाई द डिस्टिलर्स संडे टाइम्स के एडिटर ने इसके बारे में कोर्ट को कहा कि ये केस को स्टडी uh, करने के लिए मैं बहुत डिटर्मेंड हूँ मैंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए एंड आई एम स्टार्टिंग अ कैंपेन अगेंस्ट द डिस्टिलर्स कि डिस्टिलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एक्ट के लिए उनके ड्रग की वजह से उनके दवा के वजह से इस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं विद डिफॉर्मिटीज़ और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को जो है एक्सेप्ट करे एंड जितने भी अफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनको कंपेंसेशन दे और इसीलिए संडे टाइम्स के एडिटर ने कहा कि मैं इसके लिए कैंपेन लॉन्च करने वाला हूँ द एटर्नी जनरल फाइल्ड अ रिट पटिशन इन कोर्ट टू सॉट एन इंजंक्शन तो जब संडे टाइम्स न्यूज़पेपर के एडिटर ने ये सब किया तो एटर्नी जनरल ने उसके खिलाफ एक रिट फाइल की कोर्ट में कि क्योंकि न्यूज़पेपर को जो है राइट नहीं होता है जनरल रूल है जब लिटिगेशन पेंडिंग होता है जब केस पेंडिंग होता है तो कोई भी न्यूज़पेपर उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता है इस तरह से क्योंकि जैसे कि हमने फर्स्ट केस में पढ़ा इट विल प्रेजडज द ट्रायल रिट पटिशन जो होती है वो इंजंक्शन इम्पोज करती है यानी न्यूज़पेपर के ऊपर एक स्टे ऑर्डर डाल दिया जाएगा जिसके वजह से न्यूज़पेपर का जो ये राइट right है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा कि आप इस तरह से आगे पब्लिश नहीं करेंगे चीज़ें केस से रिलेटेड बट संडे टाइम्स को अगर हम देखें तो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स डिस्टिलर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इस डैमेज का uh, की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की डिस्टिलर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बारे में ही आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा था वो किसी भी तरह की प्रेजडा प्रजेडिस स्टेटमेंट्स जो है वो पब्लिश नहीं कर रहा था तो न्यूज़पेपर ने क्या किया न्यूज़पेपर ने इस मैटर को यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के सामने रेज किया तो द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स गेव द डिसीजन बाई मेजॉरिटी ऑफ लेवन टू नाइन इन फेवर ऑफ़ द न्यूजपेपर उन्होंने कहा कि यस न्यूज़पेपर को राइट है कि वो ये इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर सकती है लोगों में और थैलीडोमाइट के ऊपर वो अपनी बात रख सकती है सो दिस इज़ अ लैंडमार्क केस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में इसको स्किप मत करना सो वी हैव कंप्लीटेड द लॉर्ड डेनिंग सीरीज टूडे अगर आपको कोई भी क्वेरीज है डाउट्स है देन यू कैन लेट एस नो इन द कमेंट सेक्शन स्टेट फॉर मोर लेक्चर्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज ऑफ बाय द लॉ